मुझे यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं लग रहा। अभी भी वक्त है गाइस, वापस चल लेते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो वीनस, वैसे भी हम जिसे ढूंढने आए हैं वो है भी या नहीं ये किसी को नहीं पता। गाइस मुझे तो यकीन है कि वो है और मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। पर हमें उसके बारे में कुछ पता भी तो हो तभी तो हम उसे ढूंढ पाएंगे। मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो है, बैठ के बात करें। हाँ मैं भी काफी थक गया हूँ। चलो मैं थोड़ी यहाँ पे आग जला लेता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, मुझे थोड़ी गर्माहट की जरूरत भी है। ऐसा माना जाता है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी मंडली में एक ग्रह हुआ करता था। वो हमारी मंडली का पांचवा गैस जायंट था। सबको वो थोड़ा मन जला लगता था। वो कभी अपनी कक्षा में रहता ही नहीं था, हमेशा दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में घूमता रहता था। मैं क्या पैरी पाना गुरु जी? पता नहीं ये कब सही से ऑर्बिट करेगा। हे यूरेनो, क्या हाल चाल? अभी तक तो बढ़िया ही था। हेलो बच्चों, न करना कोई उधम, करो गति धीमी थोड़ा तेज है कदम। सही ऑर्बिट कर रहे हो, मैं आके चेक करता रहूंगा। कैरी ऑन। वो मंजला बस इसी तरह कभी यहाँ कभी वहाँ बस घूमता ही रहता था। पर उसे नहीं पता था कि उसका इस तरह घूमना दूसरे ग्रहों के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो कभी भी उनके ऑर्बिट में जाके उनकी कक्षाओं को अस्थिर कर देता था और कभी कभी तो वो उनसे टकरा भी जाता था, इसीलिए सब उससे बहुत परेशान थे। आए दिन उसे सूरज से डांट भी पड़ती रहती थी। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, ढंग से ऑर्बिट करो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर सच तो ये है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल मंडली के दो बड़े गैस जायंट सैटर्न और गुरुजी की ग्रेविटी हमेशा उसके ऑर्बिट को अस्थिर करती रहती। कभी उनकी ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचती और कभी बाहर की ओर फेंकती। संभल के ऑर्बिट करो। यही वजह थी उसके ऑर्बिट के अस्थिर होने की। उसे लगता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वो ये बात सबको बताना भी चाहता था, पर कोई उसकी बात सुनता ही नहीं था। उस वक्त हम सब भी बहुत छोटे हुआ करते थे। इनफैक्ट मेरी तो आंखें भी नहीं खुली थी, इसलिए वो बेचारा हमसे भी कुछ शेयर नहीं कर पाता था। और फिर एक दिन गुरुजी और सैटर्न का कंजक्शन हुआ। कंजक्शन? वो क्या होता है? जब दो ग्रहों की कक्षाएं एक दूसरे के करीब आ जाती है तो ऐसी स्थिति को हम कंजक्शन कहते हैं। अरे ये सब छोड़ो, आगे बताओ फिर क्या हुआ। फिर गुरुजी और सैटर्न की ग्रेविटी ने जोर से उसे अपनी तरफ खींच लिया। उन दोनों की ग्रेविटी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो तेजी से उनकी तरफ खिंचा चला आया और फिर अचानक गुरुजी की ग्रेविटी ने उसे तेजी से सूरज की तरफ फेंक दिया। उसे अपनी तरफ आते देख सूरज आग बबूला हो गया। मैंने तुम्हें लाख बार समझाया था कि अपनी कक्षा में रहकर ढंग से ऑर्बिट किया करो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और सूरज ने गुस्से में आकर अपनी ग्रेविटी से उसे सौर मंडली से बाहर निकाल फेंका। पर सूरज ने जो भी किया उसकी भलाई के लिए ही किया, क्योंकि उसका मंडली में रहना सिर्फ उसके लिए ही नहीं हमारे लिए भी खतरनाक था। उस हादसे के बाद वो फिर कभी दिखाई ही नहीं दिया। ना जाने वो काइपर बेल्ट की गहराइयों में कहां खो गया। कुछ बौने ग्रहों ने उसे देखे जाने का दावा भी किया है। अरे वो रे मैया, भागो यहां से। पर
कोई नहीं जानता कि सच क्या है। उसकी कहानी तो काफी दुख भरी है, बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। अब तो मुझे भी लगता है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए और उसे सहानुभूति देनी चाहिए। हाँ, तो फिर देर किस बात की, चलो चले। चलो इस दिशा से ढूंढना शुरू करते हैं। हाँ हाँ चलो।